10,000 करोड़ इंडिया में पंप किया जा रहा है इंडिया की सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोजे किया। उन्होंने बताया चाइनीज प्रोपेगेंडा का एक ग्लोबल वेब चल रहा है जिसके सेंटर पे है नेविल रॉय सिंघम, एक इंडियन ओरिजिन का मिलियनेयर जिसकी सिटीजनशिप अमेरिकन है, लेकिन आज वो अपने सभी बिजनेस ऑपरेशंस चाइना से मैनेज करते हैं। नाउ व्हाई इज दिस पर्सन इंपॉर्टेंट फॉर अस? वेल, आपने इंडिया में कई बार एंटी इंडिया न्यूज तो देखा ही होगा अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे। व्हाट इफ आई टेल यू ये सारा न्यूज चाइना से फंडेड होता है थ्रू पीपल लाइक नेविल रॉय सिंघम। अ मैन हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन ऑर्डर टू स्प्रेड प्रो चाइना प्रोपेगेंडा। जो नेविल रॉय सिंघम है, इन्होंने ही यहाँ पर 27,51,00,000 रुपया न्यूज क्लिक में दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स इटसेल्फ दैट हैज पॉइंटेड अ फिंगर थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन टू से दैट दिस इंडियन वेबसाइट रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट। एंड सिंघम भी एंटी इंडिया प्रोपोगेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर है, नॉट इवन द हीरो। सो हीरो कौन है? बिल्कुल कोई एक जन नहीं, काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, खुद इंडिया के भी, एंड कई सारे सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इंडिया के एक एक्स आरबीआई गवर्नर जिनके हाथ में इंडिया के कई सारे मेजर फाइनेंशियल पॉलिसीज थे, उनका नाम तक इस पूरे वेब में शामिल है। Can you believe that? Well, if you don't, this video has nothing but raw facts for you. हमने चाइना का पैसा कैसे सिंघम के थ्रू इंडिया आता है, फिर कैसे वो इंडिया के अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स तक जाता है, एंड कैसे फिर यही प्लेटफॉर्म्स एंटी इंडिया नैरेटिव प्रोपोगेट करते हैं, इसका पूरा एक डिटेल्ड एंड सिंप्लीफाइड वेब क्रिएट किया हुआ है। एंड इसीलिए, क्योंकि ये इशू हल्का सा अलग है, ज्यादा सीरियस है, इसीलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप कंप्लीट वीडियो देखो, वरना आपको सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड आप इस मुद्दे को गलत इंटरप्रेट करोगे। After all, ये बात हमारे देश की सिक्योरिटी का है। So let's quickly start the web with Singham. सिंघम का रिसेंटली एक मेल लीक हुआ था जिसमें 6 जनवरी 2021 को उन्होंने कई चाइनीज जर्नलिस्ट और एक इंडियन जर्नलिस्ट, न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरख्यास्त, मेल्स के थ्रू उनसे ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया चाइना का बॉर्डर इश्यूज को उन्हें इंडिया में किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। मेल में बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के मैप को किस तरह से बताना है, बाय राइटिंग आई थिंक वी मिस द डॉटेड लाइन फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। They are talking about the border that India shares with China, essentially Arunachal Pradesh, because it is this Arunachal Pradesh area that China claims as its own. Also, iske saath ek map bhi bakaida attached tha, jiske saath mention tha, here is a map from diplomat which China claims Arunachal Pradesh. Reports ke hisab se wo map Chinese agenda peddle kar raha tha, aur Singham Indian journalist ko ye wala map use karne ke liye keh rahe the, especially News Click ko. Ab aate hai web ke second character News Click pe. प्रबीर पुरख्यास्त ये न्यूज क्लिक के फाउंडर है और डिजिपब नाम के एक एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी है। डिजिपब एक्चुअली काफी सारे प्रोमिनेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स का एक एसोसिएशन है। नाउ यही न्यूज क्लिक एक सबरंग नाम के न्यूज प्लेटफॉर्म को फंड करती है जिसने 2012 के असम रायट्स के मेन ऑर्गेनाइजर्स, जिनका उनके पीछे हाथ था, कुछ चैरिटी ग्रुप्स बता के उन्हें व्हाइट वॉश करने की कोशिश की थी। असम राइट्स को अगर समराइज करूं तो बेसिकली ये वहाँ की एक स्टूडेंट यूनियन AASU द्वारा गवर्नमेंट को डिमांड था कि वो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करे, क्योंकि इसके वजह से असम की डेमोग्राफी ही चेंज हो रही है। अब इस पे एक्ट करते हुए असम गवर्नमेंट ने जब अपने स्टेट के रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन करना शुरू किया, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मार्कजुल मारीफ और मार्कजुल एकेडमी, इन दोनों ने इस बात पर असम और मुंबई में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली द प्रोटेस्ट टर्न इनटू वायलेंट राइट्स, बिकॉज ऑफ विच अकेले असम में करीब 70+ लोग मारे गए, 400,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा टू रिलीफ कैंप्स, और इन सब का बेसिकली सिर्फ इस एक रायट से इंडिया को टोटल इकोनॉमिक लॉस हुआ 500 करोड़ का। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब प्रोटेस्ट के पीछे के दोनों भी ऑर्गेनाइजेशंस पर अपनी जांच शुरू की, तब मालूम पड़ा कि इन दोनों को एक रीम इंटरनेशनल नाम के ऑर्गेनाइजेशन से हैवी फंडिंग मिली थी, मतलब 90,90,00,000 की फंडिंग, वो भी मल्टीपल टाइम्स। एंड ध्यान से देखोगे तो इस रीम का एड्रेस चाइना का एड्रेस है, एंड इनके वेबसाइट में भी चाइनीज एड्रेस ही है। सो टू सम इट अप, असम राइट्स को फ्यूल करने में चाइना का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, इनफैक्ट उनका पैसा मिला हुआ था, लेकिन सबरंग चाहती है कि इंडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन समझे। नाउ कमिंग बैक टू आवर वेब, हम सबरंग न्यूज प्लेटफॉर्म का कनेक्शन विद न्यूज क्लिक एंड सिंघम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हल्का सा इंटरेस्टिंग होगा वेब। सबरंग का तो वेबसाइट भी नेविल सिंघम के एक एसोसिएट किरण चंद्रा ने ही बना के दिया है, जो सिंघम के खुद के ऑर्गेनाइजेशन थॉटवर्क के एक ऑफिशियल मेंबर भी है। एंड ये सब एक्चुअली एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि यही किरण चंद्रा ने सिंघम द्वारा बैक्ड कंपनी न्यूज क्लिक
के जो फाउंडर थे प्रबीर पुरख्यास्त, उनके साथ मिलकर अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट भी खोल रखा है। मतलब ये दोनों एसेंशियली को-फाउंडर्स है। एंड इनकी लॉयल्टी या फिर राइवलरी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इनका कनेक्शन सिर्फ असम रायट्स जो तभी कांग्रेस सरकार थी उससे नहीं है, यही वेब गोधरा राइट्स से भी कनेक्टेड है। सो गोधरा राइट्स में अगर मुस्लिम, सिख, हिंदू सबको भी गिने तो करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए एंड पूरे देश का 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। एंड इस पूरे केस में भी वन ऑफ द प्राइम अक्यूज थी तीस्ता सतलवाद, जो सबरन की फाउंडर है। अगेन जस्ट रीइंस्टेटिंग, शी इज अक्यूज्ड नॉट कन्विक्टेड, लेकिन उनके ऊपर आरोप है गोधरा रायट्स के विक्टिम्स के बयानों को ओवर एग्जैजरेट करके रायट्स को भड़काने का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे रायट्स जैसे सेंसिटिव इशू में लोगों से डोनेशंस लेकर उनका मिसयूज करने का, बेसिकली रायट्स जैसे इशू में मनी मिंटिंग करने का। बट एनीवे, ये हमारे वेब का सिर्फ एक स्ट्रिंग था। चलो दूसरे स्ट्रिंग पे जाते हैं जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस है, क्योंकि उसमें चाइना के साथ साथ अमेरिका के CIA का भी डायरेक्ट हाथ है। रिमेम्बर परवीर पुरख्यास्त, न्यूज क्लिक के फाउंडर जो सबरंग को फंड करते हैं, वेल वो उसी डिजिपब नाम के एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी है, जो अगेन जस्ट फॉर रिकॉल सभी बहुत ही टॉप डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स का एक एसोसिएशन। नाउ इस डिजिपब के मेंबर्स में से ये जो TNM है ना, द न्यूज मिनट, ये डिजिपब एसोसिएशन की फाउंडर है एंड TNM की फाउंडर है धन्या राजेंद्र, यानी धन्या राजेंद्र हु इज द फाउंडर ऑफ TNM इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ डिजिपब। नाउ यही धन्या राजेंद्र नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया NFI नाम के एक NGO में फेलोशिप एडवाइजर भी है। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट, NFI ये नाम याद रखना, क्योंकि यही NFI डायरेक्टली US द्वारा फंडेड है। ऑल्सो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनडायरेक्टली चाइना से भी फंड्स लेता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्ट US द्वारा फंडिंग की। देखो NFI डायरेक्टली दो US NGOs द्वारा फंडेड है, एक फोर्ड फाउंडेशन एंड सेकेंड रॉकफेलर फाउंडेशन। एंड रिसेंटली जब CIA के कुछ डीप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे, तब पता चला था कि इन दोनों NGOs का और CIA के साथ एक बहुत ही करीब रिश्ता है। ऑल्सो रॉकफेलर के ट्रस्टी जॉन मैकॉले, जो पहले फोर्ड फाउंडेशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं, वो असल में CIA के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। एंड CIA की उसी रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों भी फाउंडेशन फोर्ड और रॉकफेलर को CIA ने ही बनाया है, ताकि देश विदेश में अमेरिकन इंटरेस्ट और प्रोपेगेंडा को पुश किया जा सके, जिसके रूट्स इंडियन मीडिया तक नजर आ रहे हैं। खैर अब आते हैं NFI के इनडायरेक्ट चाइनीज फंडिंग पे। इस NFI के एक ट्रस्टी है पी साईनाथ, जिनका खुद का एक अलग NGO भी है बाय द नेम परी। नाउ ये परी नाम का NGO अगेन नेविल के उसी थॉटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेता है। ऑल्सो पी साईनाथ जी एक ट्राई कॉन्टिनेंटल नाम के थिंक टैंक के भी मेंबर है, जो अगेन खुद सिंघम द्वारा शुरू किया गया एक थिंक टैंक है। यानी ऑल इन ऑल अब तक इन दोनों भी स्ट्रिंग्स का अगर मैं क्विक समरी दूं, तो इंडिया में चाइना और अमेरिका दोनों ही अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए हेविली पैसे पंप कर रही है। नेविल रॉय सिंघम बेसिकली चाइना का पैसा इंडिया में तीन रास्तों से पंप इन करते हैं, एक थ्रू न्यूज क्लिक जो हमने शुरू में देखा, एंड NFI से होते हुए दो थिंक टैंक्स के जरिए कॉल्ड थॉटवर्क एंड ट्राई कॉन्टिनेंटल। एंड USA का CIA अपने रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू डिजिपॉप से डायरेक्टली इंडिया में इन सारे चैनल्स के थ्रू मीडिया नैरेटिव शिफ्ट करता है। नाउ टू टॉक मोर अबाउट ट्राई कॉन्टिनेंटल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आगे के लिए भी याद रखना, क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद एक फेमस CPI माओइस्ट वृंदा कराट के नेफ्यू है, जिन्होंने साल 2022 के जहांगीरपुरी राइट्स के बाद जब सरकार ने वहां के इलीगल रोहिंग्यास पर क्रैकडाउन किया था, तब उसे कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा के रुकवा दिया था। साथ ही इस थिंक टैंक में बाकी सभी मेंबर्स भी या तो CPI माओइस्ट पार्टी के डायरेक्ट मेंबर्स है या उनके रिलेटिव्स है। दिस फर्दर प्रूव्स कि नेविल रॉय सिंघम और उसके थिंक टैंक के मेंबर्स आर स्ट्रांगली प्रो चाइना, क्योंकि CPI माओइस्ट पार्टी ये वही पार्टी है जिसने 1962 इंडो चाइना वॉर हो या 2020 का इंडिया चाइना गलवान क्लैश हो, इन्होंने हमेशा चाइना को ओपनली सपोर्ट किया है। इन फैक्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस पार्टी के कुछ मेंबर्स ने 1962 के वॉर में लिटरली ये तक कहा था कि इंडियन आर्मी के घायल जवानों को ब्लड डोनेट करना मतलब उनके लिए एक एंटी पार्टी एक्टिविटी के बराबर है। खैर नाउ दैट 2022 के जहांगीरपुरी राइट्स में एक सीनियर CPI माओइस्ट वृंदा करट का नाम था, इन राइट्स को अनवाइंड एंड बैकट्रेस करते हुए जब हम पीछे गए तो हमें पता चला कि ये जहांगीरपुरी में जो राइट्स हुए थे ये एक तरह से दिल्ली में 2020 में जो एंटी CAA प्रोटेस्ट राइट्स में तब्दील हो गए थे ना, उसी का एक ऑफशूट है। एंड उन 2020 के दिल्ली राइट्स में भी नेविल के यही तीन एंटिटीज
और CPI माउस का लिंक था। दरअसल 2020 में आपको याद होगा कि तब के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे तो इनके इंडिया में कदम रखते ही जहां इंडिया नमस्ते ट्रंप जैसा एक मेगा इवेंट होस्ट कर रहा था, वहीं सडनली दिल्ली में रायट शुरू हो गए थे। अब इन रायट्स में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, करीब 70 लोग मारे गए थे एंड 700 लोग इंजर हो गए थे। बट द वियर्ड थिंग अबाउट दीज रायट्स वॉज CAA का देश के सिटीजन से लेना देना ही नहीं था। CAA तो बाहर से इलीगली आए लोगों के लिए था। सो ये प्रोटेस्ट और रायट्स ओरिजिनली शुरू ही क्यों हुए? पुलिस ने दिल्ली रायट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी चार्ज शीट में दो मुख्य नाम लिखे थे। एक नाम था JNU के प्रोफेसर जयती घोष का और दूसरा था CPI माओइस्ट के लीडर सीताराम येचुरी का। नाउ सीताराम येचुरी खुद एक CPI माओइस्ट है, बट एट द सेम टाइम उनकी वाइफ सीमा चिस्ती CIA और नेवल द्वारा फंडेड NFI में एक फेलोशिप एडवाइजर है। बिसाइड्स रही बात जयती घोष की, तो उनके पति अभिजीत सेन भी एक CPI माओइस्ट है और उनकी बेटी जानवी सेन ये डिजीपब के वन ऑफ द मेंबर्स यानी द वायर की डेप्यूटी एडिटर है। एंड डिजीपब के ये सारे चैनल्स उन कुछ चैनल्स में से थे जो CAA को कंटिन्यूसली हिंदू मुस्लिम का एक डिबेट बना रहे थे। जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इससे ही समझ में आता है कि दिस एक्ट इज फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। इसका इंडियन हिंदूज या इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। ये एट द मोस्ट इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके इंडिया से एक्सपेल करवाएगा, लेकिन क्या उससे हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? आप म्यांमार के रेफ्यूजीज रोहिंग्याज को ही ले लो, उन्हें तो खुद म्यांमार ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद टाइम एंड अगेन उनकी PM शेख हसीना जी रोहिंग्याज को बांग्लादेश से एक्सपेल करवाने की बात करती रहती है। एंड अभी फिलहाल रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश के बाहर एक अलग आइलैंड भसनचार में उनके कैंप्स को सेटल करवा रखा है बांग्लादेश ने। देन टू टॉक अबाउट जयती घोष हरसेल्फ, तो उन्होंने खुद साल 2001 में JNU के अपने दो कलीग्स CP चंद्रशेखर जी और विकास रावल जी इनके साथ मिलकर एक इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन ERF नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नाउ इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली बिलियनर जॉर्ज सरोस का सरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और एक UK बेस्ड आइडिया फाउंडेशन डायरेक्टली फंड करता है। ना फोर्ड फाउंडेशन का हमको पता ही है वो CIA द्वारा कंट्रोल है, बट सोरोस फाउंडेशन का तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट ही चल रहा है जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये जो आइडिया फाउंडेशन है ये हल्का सा वियर्ड है क्योंकि इसे भले ही मेजरली सोरोस फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन दोनों ही फंड करते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें दो ऐसे लोगों के नेम्स मिले जो चाइना की रूलिंग गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के मेंबर्स हैं। मीनिंग वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन एग्जैक्टली US और CIA चला रहे हैं या फिर चाइना, बट द ओनली थिंग वी आर श्योर अबाउट इज कि इसे चलाया तो बाहर से ही जा रहा है। सो टू समराइज एवरीथिंग, इंडिया के दो पिछले डेकेड्स में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उसमें से काफी सारे जिन्होंने किसी ना किसी तरह से इंडिया की इकोनॉमी या फिर इमेज को हार्म किया है, अल्टीमेटली उसमें से काफी सारे इवेंट्स कनेक्ट होते हैं टू 3 or 4 एंटिटीज। नंबर 1 नेविल रॉय सिंघम या फिर CPI माओइस्ट हु आर लिंक्ड टू चाइना। नंबर 2 फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द CIA एंड हेंस द US। एंड नंबर 3 सोरोस फाउंडेशन, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं कि वो US की तरफ से है या फिर चाइना की तरफ से, क्योंकि वन पॉसिबिलिटी इज कि इंस्टेड ऑफ द CIA और चाइना कंट्रोलिंग सोरोस फाउंडेशन, सोरोस फाउंडेशन खुद एक कंट्रोलर है ऑफ चाइना एंड द US, क्योंकि ये दोनों NGOs बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट चला रहे हैं जो देश विदेश के गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट नैरेटिव कॉन्स्टेंटली शेप करते रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट सिंडिकेट्स ऑफिशियल वेबसाइट, ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट बेसिकली 156 कंट्रीज की 506 मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है ताकि उन कंट्रीज में अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा पुश कर सके एंड इवेंचुअली वहां की पॉलिसीज को अपने फायदे के हिसाब से शेप कर सके। नाउ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इस सिंडिकेट के वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है कि उनके एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे एक XRBI के गवर्नर। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल भी हो सकता है बट एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, सो आई डोंट वांट टू बी फैक्चुअली रॉन्ग, इसीलिए आई कांट कमेंट कि इनका एग्जैक्ट किस टाइप का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही नेविल रॉय सिंघम का केस उछला मीडिया में, अचानक से इन ऑर्गेनाइजेशंस में से काफी सारे के वेबसाइट्स में से नेम्स चेंज होने लग गए, सो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज, अभी आपको याद होगा अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया में इलेक्शन शुरू होने से पहले इंडियन इलेक्शंस UK और US में शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो व्यू इलेक्शन सीजन हैज स्टार्टेड इन इंडिया एंड दिल्ली और नॉट, बट फॉर श्योर इट हैज स्टार्टेड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क।
ऑनेस्टली मैंने जब वो पॉडकास्ट देखा था मुझे सही से समझ में नहीं आया था कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, बट मे बी ही मेंट कि इस दौरान इन दोनों कंट्रीज से इंडिया में अंधाधुंध पैसा पंप होता है जस्ट सो दैट वो अपना एजेंडा फैलाने के लिए इंडिया के इलेक्शंस को टैम्पर कर सके। नाउ कमिंग टू नंबर्स, देखो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सोरोस का तो अकेले ही 8000 करोड़ पंप्ड इनटू इंडिया का डायरेक्ट लिंक है। एंड रही बात सिंघम की, तो अगेन CNBC के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिंघम को 275 मिलियन डॉलर्स यानी 2200 करोड़ की फंडिंग मिली है। सो डेफिनेटली ये सिर्फ एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक बड़ा गेम है, एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा है जिसमें इंडिया पिस रहा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक किसी को इसके बारे में एकदम डिटेल में मालूम भी होगा, इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो क्योंकि अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। एंड आप हमेशा देखोगे चाहे कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी हो, जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं इंडिया में अचानक से बहुत सारे प्रोटेस्ट, राइट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट अवेयर रहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बात हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की है। एंड रही बात स्पेसिफिकली जॉर्ज सरोस की, तो हमने उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि उनकी ये फंडिंग कैसे इंडिया में आती है और उससे स्पेशली अडानी के नेगेटिव कवरेज के केस में क्या उस फंडिंग का रोल था, इसको कवर करते हुए हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे दूसरे चैनल गौरव ठाकुर में, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।